दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और त्योहारी सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में एक आतंकवादी हमले के इनपुट के मद्देनजर आतंकवाद विरोधी उपायों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन लेने से कैसे रोका जाए। सूत्रों के अनुसार बैठक में राकेश अस्थाना ने बताया कि दिल्ली में आतंकी हमले की सूचना मिली है, हालांकि ऐसा हमला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमलावरों को स्थानीय समर्थन ना मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय अपराधी, गैंगस्टर और रूढ़िवादी तत्व इस तरह के हमले में मदद कर सकते हैं। आपको बताएं, पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर आतंकी गतिविधियों पर नकेल, स्ट्रीट क्राइम समेत अन्य आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही त्योहारों पर राजधानी दिल्ली में कोरोना से बचाव संबंधी जारी सरकारी नियमों के पालन करने को लेकर भी उचित कदम उठाने को कहा है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।